मुजफ्फरपुर में देर रात को कार सवार बदमाशों ने ऑक्सीजन से लदे पिकअप चालक को हथियार के बैट से पीटा। लोगों ने एक बदमाश को हथियार के साथ पकड़ा और जमकर की धुनाई और फिर किया पुलिस के हवाले। मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर ओपी क्षेत्र लकड़ी ढाही में देर रात को लग्जरी कार सवार बदमाशों ने ऑक्सीजन सिलेंडर लोड पिकअप चालक की जमकर पिटाई कर दी और पिस्टल के बट से उसका सिर फोड़ दिया। यही नहीं बल्कि उसे बचाने आए एक बुजुर्ग को भी बदमाशों ने पिटाई कर दी। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने कार सवार को घेर कर हंगामा शुरू कर दिया और कार में सवार हुए लोग इधर उधर भागने लगे। भीड़ खदेड़ खदेड़ कर उन्हें पीटने लगा। तभी भीड़ ने कार चालक को खदेड़ कर पकड़ लिया, उसकी जमकर पिटाई कर दी। मौके पर पिस्टल बरामद हुआ। वह इस वारदात के दौरान काफ़ी देर तक वहां अफरा तफरी मची रही। सूचना पाकर सिकंदरपुर व के नगर थाने की पुलिस पहुंचकर मामले को शांत कराया, पकड़ाए युवक को अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं पर पिटाई के बाद पकड़ाए युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया है, इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। पूरे मामले में के नगर थाना प्रभारी ओम प्रकाश ने भी बताया कि पुलिस को मिली इस घटना की सूचना के बाद मौके पर से हथियार बरामद किया गया है और पूरे मामले की जाँच अभी चल रही है। तो कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर पुलिस टीम की एक बड़ी पहल कि मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र के मुजफ्फरपुर नगर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर ओपी क्षेत्र लकड़ी ढाही में देर रात को लग्जरियस कार सवार बदमाश ऑक्सीजन सिलेंडर पिकअप चालक की जमकर पिटाई की। अभी क्यों पिटाई की इसकी मामला सामने में नहीं आ रहा, कहीं ये मामला ऑक्सीजन सिलेंडर छीन छान की प्रतीत होते नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी यह कहना मुश्किल होगा क्योंकि इसकी जांच अभी चल रही है। तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी को लेकर हो सकता है कि यहां बदमाश अब ऑक्सीजन सिलेंडर लूट रहे हों, क्योंकि लूटने पाटने के लिए अब लोगों के बदमाशों के पास कुछ बचा नहीं है, क्योंकि व्यापार बंद है, लोगों का घूमना फिरना भी बंद है, राहगीर चल नहीं रहे हैं, लूटने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। अगर बाज़ार में कुछ बिकने वाली चीज़ है तो वो है ऑक्सीजन सिलेंडर। यही कारण है कि ऑक्सीजन सिलेंडर की लूटपाट के लिए अब लोग अग्रणी हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लग्जरियस कार के लिए उसकी तेल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, ड्राइवर चाहिए, एवं अगर गाड़ी लिए गए हों बैंक से तो उसके कर्जे उतारने के लिए, EMI चुकता करने के लिए पैसे चाहिए। लोगों के रोज़गार बंद हैं तो क्या लोग रोड पर लूटपाट करने उतर जाएंगे? लेकिन सवाल ये उठता है कि लूटपाट आखिर ऐसी क्या चीज़ किया जाए जो नकदी में मिले, तो वो है ऑक्सीजन सिलेंडर। तो कहीं ना कहीं ये मामला ऑक्सीजन सिलेंडर लूट की प्रतीत हो रहा है, पर अभी इसकी जांच और पुष्टि नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं यह एक बड़ी मामला मुजफ्फरपुर लकड़ीढाई थाना क्षेत्र के नगर थाना क्षेत्र के लकड़ीढाई से आ रही है। मुजफ्फरपुर से पंकज कुमार सिंह की रिपोर्ट, आंखों देखी। किस मामले का विवाद है? कुछ नहीं कह सकता है, लकड़ी ढाई बांध पर सूचना मिली सिकंदरपुर ओपी को पहले की आदमी को पकड़ा हुआ है, उसके पास कुछ हथियार भी है और उसको लाया गया है, वही था जख्मी है, उसका ट्रीटमेंट हम लोग करवा रहे हैं। युवक का नाम क्या है सर? इसका नाम अमन कुमार है। कितने लोग थे सर? ये लोग 3-4 लोग थे, अभी हम लोग जाँच कर रहे हैं, अभी कुछ बहुत बोलना जल्दीबाजी हो जाए। कुछ जब्त भी है सर? हाँ, एक पिस्टल है। आंखों देखी।